बजट पेश करने से पहले सभी विधायक जो है 68 के 68 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की ढांचागत योजनाएं, सिंचाई योजनाएं या कोई और योजना उससे संबंधित अपनी बात ये प्लानिंग की मीटिंग में रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्लानिंग की मीटिंग में रखा जाता है उसका दिशा बजट में दिखाई देती है। तो आज हमारी पहली प्लानिंग की बैठक इस वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल में शुरू होने जा रहा है उसकी होने जा रही है। और जो भी विधायकों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, एमएलए प्रायोरिटीज़ होती है, उस पर सरकार आगे कार्य करती है। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में हमने विधायकों को कहा है कि जो पिछले महीने हमारे कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उस योजनाओं में अपनी प्राथमिकता जरूर बताए। हिमाचल सरकार की पहली फ्लैगशिप योजना पर्यटन से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है। किस प्रकार का टूरिज्म हो, किस प्रकार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन रुकते हैं, तो 3 दिन से ज़्यादा रुकने के लिए क्या योजना होनी चाहिए, आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सड़क नहीं बननी है, कौन सी सिंचाई की योजना नहीं बननी है और कहाँ हमें स्ट्रक्चरल मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने हैं, उस दृष्टिकोण से आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में नई योजना आए, नए सब्जेक्ट्स आए, जैसे कि अभी हमने टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, रोबोटिक, इस सब प्रकार के IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दृष्टिकोण से अगले जो सेशन शुरू होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे और विधायकों की प्राथमिकता को नया स्वरूप के रूप में हम बजट में लाएंगे। सर, सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंट फैक्ट्रीज का विवाद, उसका स्टेटस क्या है? आज आपके साथ भी बैठक हुई है, कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ट्रक यूनियंस आज आई है, दोनों के साथ हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी थे, संजय अवस्थी जी थे और बैठक में सरकार पूरी तरह हिमाचल के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ खड़ी है। हम अपने ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनका भला चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि उनका ट्रक ऑपरेटर का दम घुटाकर हम कोई किराया निर्धारित करें। सम्मानपूर्वक जहां बातचीत होगी हम उसके लिए तैयार हैं। और ट्रक ऑपरेटर्स को ने अभी शाम को इस मीटिंग के बाद मुझसे दोबारा मिलना है, कुछ राय वो रखी है, कुछ राय हमने रखी है और जल्दी इसका समाधान हमें इसका निकाल लेंगे। सर, केंद्रीय बजट आया है, कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2024 उससे पहले और हिमाचल प्रदेश को क्या एक्सपेक्टेशंस थी एंड वर यू एबल टू अचीव इट? जो केंद्रीय बजट आया है मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफ़ी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है, मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज़्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़
रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6 पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी, और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी कि उस किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। नहीं, टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म तो हमारे अपनी सरकार की प्रायोरिटी है, उनसे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, कोई ऐसी योजना आई भी नहीं, और हम उस दृष्टिकोण से आने वाले बजट में उसकी दिशा तय करेंगे। सर, पेपर लीक मामले में जो है अब सीबीआई जांच कर रही है, पिछले कल 50 जगह पर छापेमारी की गई है, सर इस पर क्या कहेंगे? बड़ी गंभीर बात है, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये वारदात चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है वो एक रूटीन वर्क था। पेपर लीक किए जाते थे, कुछ लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता था, और अब सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर है, अब जब उन्होंने छापे मारे तो और सत्य सामने आ रहा है, और जो हमारी विजिलेंस टीम भी इंक्वायरी कर रही है उसमें और भी सत्य सामने आए हैं, और मुझे आजकल में वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, और जो उन्होंने प्रीलिम्स रिपोर्ट हमें सबमिट की थी, मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 60% पेपर लीक हुए। पुलिस भर्ती वाला मामला, क्योंकि अब क्या लगता है कि ये लेट है, क्योंकि सीबीआई को बहुत पहले मामला देने की बात की गई थी, सीबीआई ने पिक ओवर नहीं किया 10 को, अब सीबीआई ने लिया क्या? उसमें सर जो अरेस्ट बहुत हुए थे, कैश भी उन्होंने, देखिए सीबीआई अभी अपना काम कर रही है, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ आए, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, अगर छापे मारे तो कोई प्रूफ होंगे ना, अभी उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सीबीआई भारत सरकार की है, और पिछली जयराम सरकार ने इनको लिखा था, हमने तो उसको आगे बढ़ाया, लेकिन सत्य आपके सामने जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।